अगर आपसे फ्रेंडशिप हो गई तो फिर 5-6 दिन वो समझिए कि आपके साथ ही है। रशियन लड़की हमें बीच से भी मिल जाती है, फ्रीलांस का काम करती है रशियन लड़की। तो ये जो एरिया है ये पूरा रशियन गर्ल का ही है। दिमाग खुल जाता है और बंदा बोलता है कि मैं अलग ही दुनिया में आ गया। तो एक ये है भाई, यहाँ पर भी रशियन लड़कियाँ इन फ्यूचर। आप हाउ टू पिकअप रशियन गर्ल, रशियन गर्ल कहाँ से उठाए। लो भाई, कुट पैन का पूरा पूरा प्रोग्राम बन गया जी, हूँ होगी इतने। सो व्हाट्स अप पीपल, ब्रदर के हुड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुरनाम और मैं समय हूँ थाईलैंड की पताया सिटी में। सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, अपनी 12,500 बंदों की फैमिली जो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप 13,000 को भी हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे थोड़े ही दिनों में। थैंक यू सो मच यार, आप हर एक वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, हर वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और अपने जेन्युइन कमेंट देते हो। तो मैं भी आपके सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूँ कि गामा भाई तूने ये गलत किया, गामा भाई यहाँ पर तेरे में कमी थी यार, तू इसको चेंज कर। तो बिल्कुल मैं इनको पढ़ता हूँ और मैं अपने दिमाग में रखता हूँ कि आगे आने वाली वीडियो में मैं कैसे उसको चेंज कर सकता हूँ और जो अपनी डेली व्लॉगिंग है उसमें कैसे सुधार ला सकता हूँ। तो बस आप ऐसे ही प्यार बनाई रखिए, मे बी आई होप 13,000 की फैमिली को भी हम हिट कर जाएंगे 2-3 दिन के अंदर। तो बस आपका प्यार है। तो बहुत सारे मेरे भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई हाउ टू पिकअप रशियन गर्ल, रशियन गर्ल कहाँ से उठाएं, रशियन गर्ल बीच रोड से मिल जाती है, रशियन गर्ल भी बीच रोड पर काम करती है, कहाँ से उठाएं, फ्रीलांसर रशियन गर्ल कहाँ से उठाएं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके रशियन गर्ल के मुताबिक, इन क्वेश्चन का आज मैं बड़े अच्छे तरीके से जवाब दूंगा कि क्या है रशियन गर्ल, कहाँ से आप उनको उठा सकते हो, कैसे आप उनसे मिल सकते हो, सबका जवाब दूंगा आज। तो इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा, इन फ्यूचर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाली है अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देख ली। तो अभी मैं वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर बैठा हूं, थोड़े क्लब दिखाता हूं जहां पर रशियन गर्ल काम करती है एज ए प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स जो लड़कियां आपको कॉल करती है कि आओ भाई मेरे क्लब में बैठ के दारू पियो, उन्हें प्रमोटर बोलते हैं। जैसे इंडियंस क्लब के बाहर जो लड़के खड़े होते हैं आपको बोलते हैं सर आप नशा चलोगे, सर आप रात चलोगे, सर आप कामा चलोगे, एज ए प्रमोटर ऐसे ही ये रशियन लड़कियां काम करती है बाहर और वो आपको बोलेंगे कि चलिए सर हमारे क्लब में आके दारू वारू पिए। तो वो वहां पर एज ए प्रमोटर काम करती है। तो वही क्लब आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर वो लड़कियां काम करती है और कैसे आपने उनके साथ बातचीत करनी है। तो क्लब के अंदर कौन सी रशियन लड़की आपको मिलेगी, उनके साथ कैसे आपने बात करनी है, तो आज ये वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो ठीक है, पहले मैं वो क्लब दिखाऊंगा और साथ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है जहां पर भी जाके फॉलो और मैसेज वगैरह कर लीजिए, कुछ दिल के ख्याल आते हैं वहां पर हम बातचीत करते ही रहेंगे। तो ठीक है, पीछे कैमरा करके वॉकिंग स्ट्रीट के कुछ वो मैं क्लब दिखाता हूं जहां पर जेन्युइन रशियन लड़कियां आपको मिल जाएंगी, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और बस इंजॉय कीजिए वीडियो को। मैं पीछे कैमरा करके पहले वो क्लब दिखाता हूं। तो ये वॉकिंग सीट है भाई, तो सामने ब्लैक बनाना क्लब है, वहां पर भी रशियन लड़कियां एज ए प्रमोटर काम करती है और वो भी आपको अंदर जाके ड्रिंक लेने के लिए बोलेगी और बस वो अंदर बस टू शॉट वाला काम चलता है। तो लेकिन मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा, और ये गली है, यहां पर भी बहुत सारी रशियन लड़कियां खड़ी होती है, एज इन फ्यूचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और वो आपको बोलेंगी कि आओ भाई ड्रिंक करो। तो एक ये है भाई, यहां पर भी रशियन लड़कियां इन फ्यूचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कॉलिंग करती हुई और आप भी उनके साथ बातचीत कर सकते हो। और बट ये वो जगह है जहां पर रशियन लड़कियां कॉलिंग वगैरह करती है। तो मेरा यही मकसद है कि आपको पता चले कि कहां से हम रशियन लड़कियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ये है वो गली भाई, तो ये गली पूरी अगोको के साथ भरी रहती है और मोस्टली थाई लड़कियां ही आपको इस गली में मिलेंगी। और ये जो दो अगोको है भाई, कोको अगोगो और एंजल अगोगो, आप ध्यान से इनको देख लीजिए और यहां पर इन फ्यूचर आपको रशियन लड़कियां मिल जाएंगी। इन्होंने बाहर सोफा वगैरह लगा के रखा होता है और बहुत सारी रशियन लड़कियां वहां से कॉलिंग करती हुई आपको यहां पर लेके आएगी। और ये 808 के सामने गली पड़ती है, इन फ्यूचर हुआ तो आप याद रख लीजिए 808 के सामने। बहुत सारे मेरे भाई सीधे ही निकल जाते हैं लेकिन 808 के सामने यहाँ पर भी दुनिया बसती है, इस गली के अंदर भी भाई वो लास्ट तक अगोगो जाते हैं। और यहाँ पर रशियन लड़की आपको कॉलिंग करके ले आएंगी कि चलिए अंदर जाइए और बैठ के ड्रिंक वगैरह कीजिए। और जो मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की कहीं साइड पर, जो जेन्युइन लड़की होगी किसी साइड पर बैठ के ड्रिंक कर रही होगी, तो वो उसे गलत मत समझिएगा, वो एज ए टूरिस्ट यहाँ पर आई होगी, वो एज ए टूरिस्ट साइड में बैठी होगी रेड लेवल की बोतल लेके या फिर कुछ बोतल लेके। उससे आप बातचीत कर सकते हो लड़की के साथ, उसे ड्रिंक के लिए ऑफर कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि आप किस कंट्री से हो, उसे भी बताइए कि हाँ भाई हम भी इंडियंस हैं, इंडिया से हैं हम, तो कैन बी फ्रेंड, ऐसे करके उसको बताइए और फिर उसके उसका नंबर वगैरह आपको वो इजी वे में दे देती हैं अगर वो लड़की जेन्युइन हुई तो। तो यहां से आप आ सकते हो अंदर और इन क्लब के अंदर इंजॉय कर सकते हो, यहां पर इंडियंस की एंट्री है, आराम से जाइए बैठिए, लड़कियों के साथ ड्रिंक वगैरह कीजिए। और एज ए प्रमोटर जो लड़कियां काम करती हैं उनका भी आप नंबर वगैरह ले देते हैं तो इजी वे में वो नंबर वगैरह दे देती हैं, नंबर कन्वर्ट कीजिए, दोपहर को उनसे मिलिए, कॉफ़ी वॉफ़ी पीजिए उनके साथ और बस फिर तो बाकी आपकी किस्मत है भाई। ये दो गोगो हैं, याद रखना ज़िंदगी में किसी ने दिखाए थे ये गोगो, मोस्टली इंडियंस को इन गोगो का नहीं पता है, अपने भाई लोग ज़्यादा इंडियन क्लब में ही जाना पसंद करते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन
इन फ्यूचर हुआ तो यहाँ पर भी ज़रूर रहा, जेन्युइन रशियन लड़कियाँ इसके अंदर आपको मिल जाएंगी और बातचीत कीजिए, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर है। तो ये दो मोस्ट अगोगो थे, यहाँ पर आपको रशियन गर्ल वगैरह मिल जाएंगी, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, उनको ड्रिंक ऑफर कर सकते हो, उनको फूड के लिए बोल सकते हो कि चलिए भाई अगर आप काम से फ्री हो जाओगी तो मेरे साथ आप फूड डिनर वगैरह कर सकती हो। तो एक बात मेरी ज़रूर याद रखना भाई कि हर एक चीज़ की शुरुआत बात से होती है। आपके बोलने का तरीका अगर उसको पसंद आ गया, आपका एक्सेंट उसको पसंद आ गया, तो भाई वहाँ पर पैसा भी नहीं काम करेगा, आपकी ज़ुबान चलेगी सिर्फ, और वो बोलेगी कि यस कोई इंडियन मिला था मुझे, और आप उसको डेट कर सकते हो। तो कुछ जेन्युइन लड़कियाँ भी अंदर बैठ के ड्रिंक वगैरह करती होगी, तो बस सीधा ही जाके उसको मत पूछ लेना कि हाउ मच हाउ मच हाउ मच, तो ऐसा मत करना मेरा भाई, जाइए उनके साथ बातचीत कीजिए, उनको ड्रिंक ऑफर कीजिए, तो उनकी कंट्री वगैरह के बारे में पूछिए कि कहाँ से हैं वो, और अपने बारे में कुछ बताइए कि यस आई एम फ्रॉम इंडिया, और ऐसे ऐसे करके अपने बारे में बताइए। तो बातचीत करोगे तो बातचीत के अंदर ही बातचीत निकल जाएगी, और बाकी क्या पता फिर आपकी लॉटरी निकल जाए। तो वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर रशियन गर्ल शो भी हैं, और वहाँ पर तो आपको पता ही भाई टू शॉट वाला काम चलता है, और जिसने वो टू शॉट वाली स्कैम वाली वीडियो नहीं देखी, लिंक आई बटन में शो हो रहा है, तो जाइए वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रशियन गर्ल शो स्कैम कैसे होता है। तो आई होप इन फ्यूचर आपको वो भी वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो ठीक है, चलते हैं आगे, और आगे और कुछ जेन्युइन क्लब दिखाते हैं जहाँ पर रशियन गर्ल कॉलिंग करती है और अंदर भी आपको रशियन गर्ल मिल जाएंगी। तो अगर वॉकिंग में आए हैं रशियन लड़की की तलाश में तो ये क्लब मत मिस करना, आई बार और इंसोमेनिया। ज़बरदस्त क्राउड होता है, ज़बरदस्त म्यूज़िक होता है, तो आप कभी भी वॉकिंग में आए तो ये चीज़ें मत मिस करना। आई बार और इंसोमेनिया में आपको जेन्युइन रशियन लड़कियां मिलेंगी और आप इंजॉय कर सकते हो आगे। तो बहुत सारे मेरे भाइयों का क्वेश्चन था कि भाई क्या रशियन लड़की हमें बीच से भी मिल जाती है, फ्रीलांस का काम करती है रशियन लड़कियां। तो अगर कोई बीच रोड पे आपको रशियन लड़की मिल भी जाती है और वो आपको फोर्स करती है अपने साथ जाने के लिए, तो भाई 90% आपके साथ स्कैम होने का चांस है, आप उसको इग्नोर कीजिए। जो मैं आपको क्लब दिखा रहा हूँ वो जेन्युइन क्लब है, जेन्युइन लड़कियां प्रमोटर्स का काम करती है, जो रशिया से सिर्फ काम करने के लिए आती हैं, आप उनके साथ मिल सकते हो, उनको खाना वाना ऑर्डर कर सकते हो। अगर एक दिन वो आपको इग्नोर कर भी देती है, नहीं आती है आपके साथ, लेकिन दूसरे दिन वो आपको ज़रूर बोलेगी कि ठीक है हम लोग ड्रिंक करते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो शायद फिर आपकी बात बन ही जाए। तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट ही ऐसे करना होगा कि भाई हम उस चीज़ के भूखे नहीं हैं, एज ए फ्रेंड मैंने तुमको बोला था अगर तुमको ड्रिंक करनी है, दारू पीनी है, कुछ भी करना है, तो भाई एक बार मेरे को बोल, एज ए इंडियन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके ये कपाट में बात घुस जाएगी कि नहीं यार ये बंदा जेन्युइन है, तो फिर आप जो 7 दिन के लिए यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आए हो ना, तो भाई को याद रखोगे हाँ। और स्पेशली अभी मैं 2 क्लब दिखाने वाला हूँ पीछे, यहाँ पर इंडियंस का बहुत कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन किसके साथ है? निग्रो के साथ, यानी कि अफ्रीकन बंदों के साथ। और यहाँ पर मोस्टली रशियन लड़कियाँ, थाई लड़कियाँ, सब लड़कियाँ यहाँ पर विजिट करती हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली भाई अफ्रीकन अमेरिकन जो काले होते हैं वही विजिट करते हैं, और इन्हें कालों का क्लब भी बोलते हैं। आप भी आओगे तो देख के चकाचौंध हो जाओगे, इतना हिप हॉप म्यूजिक अंदर चलता है कि बस क्या ही बोलूं भाई, दिमाग खुल जाता है और बंदा बोलता है कि मैं अलग ही दुनिया में आ गया। तो पीछे कैमरा करके दिखाता हूँ, कॉम्पिटिशन बहुत है भाई, तो आपको इंडियंस का नाम रोशन करना है जब भी आप यहाँ पर आओगे, दिखाना है कि भाई इंडियंस भी कहीं स्टैंड रखते हैं। तो पीछे कैमरा करके दिखाता हूँ, तो आप ज़रूर विजिट करना इन क्लब में। तो ये है भाई वो 2 क्लब, फ्लेक्स और डक। इन फ्यूचर हुआ तो इनमें ज़रूर विज़िट करना, मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ ये क्लब, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है भाई, यहाँ पर अमेरिकन और अफ्रीकन बंदे ही ज़्यादा आते हैं, बाकी आपको कोई नहीं मिलेगा। इंडियंस कोई जो एज ए प्रमोटर यहाँ पर काम करता है, जिसको इन क्लब के बारे में पता है, वो इंडियन क्लब बंद होने के बाद यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीप प्राइस पे दारू बियर मिलती है, तो लड़कियाँ यहाँ पर आके बैठना पसंद करती है, और यहाँ पर तिल फेंकने की जगह भी नहीं होती भाई, जैसे तिल फेंकने की जगह भी नहीं होती, इतना क्राउड होता है इन क्लब के अंदर, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, तो इसीलिए भाई ये क्लब बहुत फेमस है। और रशियन लड़कियां भी ऐसा म्यूजिक ही पसंद करती हैं, सेपरेट बैठना नहीं पसंद करती, वो भी बस डांस वांस करना और इंजॉय करना पसंद करती है। तो आइए शाप छोड़िए इंडियंस की और बता दीजिए कि भाई हम भी है यहाँ पर। ये जो एरिया है ये पूरा रशियन गर्ल का ही है, और सामने क्रेजी रशियन गर्ल्स हैं और राशो टूरिस्ट हैं, और साथ में ये तेजा वू है, और यहाँ पर रशियन शो होते रहते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली रशियन प्रमोटर्स हैं, जो रशियन लड़कियाँ हैं वो घूमती ही रहती हैं, और आप उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं, उनका नंबर वगैरह कन्वर्ट कर सकते हो अगर वो आपको प्रोवाइड करवा देगी तो। उनको ड्रिंक वगैरह के लिए बोलिए, अगर आपकी निकल पड़ी तो आपके ऊपर है,
अगर नहीं निकली तो फिर वो रशियन गर्ल के ऊपर है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे लास्ट क्लब दिखाते हैं जहाँ पर आपको जेन्युइन रशियन लड़कियाँ मिल जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली जो क्लब है वो है क्लब मिक्स, जो जेन्युइन रशियन लड़कियाँ यहाँ से आपको मिल जाएंगी। और इन्होंने कॉलिंग करने के लिए भी रशियन लड़कियाँ रखी हुई है, वो रशियन लड़कियाँ ही कॉलिंग करती है और वही आपको बोलेंगे कि चल मिक्स में जाइए और ड्रिंक वगैरह कीजिए। तो बहुत सारे भाइयों को लोकेशन पता है मिक्स की, बट कई मेरे भाइयों को मिक्स की लोकेशन नहीं पता होगी। तो मिक्स क्लब है जो नशा क्लब के लास्ट में आता है और लास्ट में एक हैप्पी सिंह रेस्टोरेंट है, उसके पीछे ये मिक्स क्लब है। और इन फ्यूचर हुआ तो यहाँ पर जरूर आना। तो अगर और जेन्युइन रशियन लड़कियां देखनी है तो यहाँ पर बहुत सारे जिम्स हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं एक दिन के लिए। वहाँ पर भी 100 से 200 बाट फीस होती है, आप वो दे के जिम में जा सकते हो। वहाँ पर लड़कियां बहुत आती है रशियन, उनके साथ बातचीत कर सकते हो, अपने को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो टुक टुक पकड़ के जॉम्टियन चले जाइए, शाम को बहुत सारी रशियन लड़कियां वहाँ पर एक्सरसाइज करने आती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ओपन जिम हैं और सभी लोग वहाँ पर अलाउ है जाने के लिए। तो वहाँ पर आप जा सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो और ये रशियन लड़कियां ज़्यादा शाय नहीं होती, आप उनके साथ पिक्चर वगैरह ले सकते हो और बातचीत कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए डिनर के लिए, बोलिए मेरे साथ ड्रिंक कर, तो शायद मानगी, तो आपके ऊपर ही है भाई। तो यही कहना था। तो मेरे साथ बाबा वुड है, बाबा वुड के साथ थोड़ी बातचीत करते हैं। और बाबा वुड को यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय हो गया क्लबिंग करते हुए, तो बाबा को इन क्लब के बारे में ज़्यादा पता है। कैसे हैं भाई? ओह वेल। तो बाबा कुछ आप बता सकते हैं इन क्लबिंग के बारे में, जो रशियन गर्ल्स के साथ हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई फ्रीलांसर और ऐसे करके, तो आप कुछ? यार मैं सिर्फ यार आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार रशियन गर्ल के लिए मेरे से, इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं मेरे से। लेकिन यार देखो, टू बी वेरी फ्रेंक, कि गोगो हो या क्लब्स हो या फिर बार हो, जहाँ पर आपको ऐसी गर्ल्स दिखते हैं और आपको रोड पे भी बहुत सारे दिखते होंगे, वो लोग छोटा सा एक अपने क्लब का नाम लेके और खड़े होते हैं रोड के ऊपर, आपको इन्वाइट करते हैं क्लब में आए, भाई ये सब लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, राइट? तो ये चीज़ को हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए कि ये लोग यहाँ पर जॉब करते हैं। और आप जाइए यार, आप लोग बात कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए यार। हाय हेलो होती है, देखिए किसी भी चीज़ की शुरुआत तो हेलो से ही होती है, तो आपको पता ही है, राइट? हेलो हाय कीजिए, साथ में ड्रिंक लीजिए यार, आप बात कर सकते हैं, हो सकता है कि उसको आप पसंद आ जाओ, वो आपको बोलेगी यार मेरे को आपके साथ डिनर करना है, राइट? तो यार देखो, फ्रेंडशिप जरूरी है किसी भी उसके लिए, आप एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाइए यार। बाकी तो ये है कि अगर आपसे फ्रेंडशिप हो गई तो फिर 5-6 दिन वो समझिए कि आपके साथ ही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।